हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी TSSC वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो हमारा ये 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहने की पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन करते हैं। तो पहला प्रश्न है ये, कहने की शुभ आशीष, आपका स्नेह का कांक्षी, या प्रिय पुत्र, या पिता पुत्र। तो इसमें अभिवादन किसको करते हैं, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, शुभ आशीष ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक, देखिए अधिसूचना का अर्थ है विशेष सूचना। देखिए सरकारी नियम, चेतावनी, आदेश, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसके बारे में यह कथन कुछ दिए गए हैं जो गलत है। कहने कि इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, भी कहने कि इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, और सामान्यता या गजट में प्रकाशित होता है, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। बताइए भी सही ऑप्शन कौन सा इसमें गलत आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा, इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है। ठीक, तो ये वाला आपका कथन गलत है। और देखिए बी नंबर, इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, सामान्यता या गजट में प्रकाशित होता है, ये भी सही है आपका, ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, ये भी आपका सही है। तो कथन जो है ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहे कि अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। इसमें आपको अच्छे पत्र की विशेषता कह रहे हैं कि कौन सी नहीं है, नहीं वाला आपको सुनना है। कह रहे कि सरल सहज भाषा शैली में, ये तो भैया है अच्छे पत्र की विशेषता। कह रहे विचारों की सुस्पष्टता हो, बिल्कुल अच्छे पत्र की ये विशेषता है, विचार जो आप उसमें लिख रहे हैं उसमें सुस्पष्टता हो, आपके भाव को दूसरा कोई समझ सके, तो मतलब ये भी आपका सही है। दूसरे नंबर कह रहे संक्षेप और संक्षिप्तता हो, ठीक है संक्षेप हो, पता लगे 10 पेज का पत्र लिख के दे दिए तो पढ़ता ही रहे आदमी, तो ये भी आपका एकदम सही है। देखिए नहीं वाला पूछा है, कहने कि भीतरी तत्व की अपूर्णता हो, तो यही आपका डी ए सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जीभ के मध्य भाग से जिसका उच्चारण होता है वह कहलाता है। तो बताइए, तो आपके जीभ के उच्चारण से कुल 3 होते हैं, तो कह रहे हैं कि मध्य वाला आपको पूछा गया है, तो मध्य वाला आपको बताना है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। कह रहे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, तो कौन सा, कहने लघु, तो ये तो होता नहीं, अब इसी 3 में आपको चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे कि बहुव्रीही शब्द का शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ बतलाना है। चलिए भाई बताइए कौन सा शुद्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका शुद्ध कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर सही हो जाएगा, बहुव्रीही जो है इसका शुद्ध हो जाएगा। ठीक, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग में शुद्ध है। तो कह रहे कि देखिए कौन सा वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है, कह रहे कि बारात, बसंत, बारात, बसंत, बसंत या बारात, वसंत या बारात, वसंत, कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर शुद्ध युग में है, बारात और वसंत। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन है, कहने कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद आपको यहाँ बतलाना है, तो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए भाई बताइए, कहने कि अतिया, अतिया प्लस चार, या अत प्लस आचार, या अति प्लस आचार, या अत्या प्लस चार, कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसका सी नंबर सही हो जाएगा, अति प्लस आचार जो है अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसमें आपकी यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला देखिए, चलिए कहने कि तत्क्षरण का संधि विच्छेद बताना है यहाँ पे। चलिए कहने तत् प्लस शरण होगा, तत् प्लस क्षरण होगा, तत् प्लस क्षरण होगा, या तत् प्लस शरण होगा, तो सही इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हलंत है, ठीक है, ठीक है, तो तत् प्लस शरण जो है तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है।
कौन सी व्यंजन संधि हो जाएगी, तो डी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहने कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास, देखिए त्रि प्लस भुज, तो भैया त्रि मतलब तीन, ठीक। तो देखिए नंबर जिसमें आता है तो वह संख्या जिसमें आता है, पहला पद जिसमें संख्यावाचक होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें कौन सा समास आता है, तो द्विभुज समास आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें पहला पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है, या दोनों पद विशेषण होता है, तो उसी को कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास में आप इसमें जानते हैं, इसमें समास विग्रह करने पर इसमें विभक्ति आती है, ठीक। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और या जो है योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, और इनका जब समास विग्रह करते हैं तो और में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, कह रहे कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है। देखिए परिभाषा भी आप याद रखिएगा सभी की, जरूरी नहीं ना कि एग्जाम पे लिए आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो परिभाषा भी याद कर लीजिए, और देखिए रस छंद अलंकार भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट पिछले साल जो 18 में हुआ था उस पर आधारित है, तो आप इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा, रस छंद अलंकार, ठीक है, दोहा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पिछले साल के ही पैटर्न पर पेपर आए, ठीक है, तो आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देखिए, करें कि बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, या द्वंद्व समास, तो कौन सा हो जाएगा भाई। परिभाषा आपको हमेशा इसकी बताई गई है, तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, किसी अन्य की ओर संकेत करता है, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताइए, तो अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है। चलिए तो करें अति उपसर्ग, अतो, आ या अत, तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, अति उपसर्ग है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, करें इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, मतलब इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है। देखिए आ आपका उपसर्ग होता है, चिर होता है, प्रति होता है, इका जो है आपका उपसर्ग नहीं है होता, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला, शब्द में प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, तो भाई प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, किसी मूल शब्द के कहाँ, करें अंत में, प्रारंभ में, मध्य में, या उक्त सभी में, बताइए। तो प्रत्यय हमेशा किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और उपसर्ग जो है किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, चलिए भाई तत्सम शब्द आपको यहाँ बताना है। देखिए करेंगे गोपाल, घर, कपूत, सूत, तो तत्सम शब्द वाला आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, गोपाल जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ग्वाल हो जाएगा, क्या भाई, ग्वाल, ठीक है। तो गोपाल का तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा, ग्वाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए घर, घर का तत्सम क्या होता है, गृह होता है, ठीक है। और भी देखिए कपूत का कुपुत्र तत्सम होता है, कुपुत्र, ठीक, ये आपका कपूत जो है तद्भव है, इसका तत्सम कुपुत्र हो जाएगा। और देखिए सूत, सूत का तत्सम क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। देखिए क्षीर आपका तत्सम है, मयूर भी है, शीर्ष भी है, तो सफेद जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, ठीक है। तो सफेद का तत्सम क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, श्वेत हो जाएगा। और खीर का तद्भव क्या होता है, खीर होता है, क्या होता है, खीर होता है, ठीक। तो इस प्रकार आपका सी नंबर तत्सम नहीं है। आगे चलते हैं, जामुन का तत्सम रूप है, तो जामुन का आप तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, कहने की यामुन, यामुण, जम्बू, जम्बूण, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, जम्बू जो है जामुन का तस्यम शब्द है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है वे कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द,
योग रूढ़ शब्द या सर्वनाम, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो भाई ऐसे शब्द जिनका खंड नहीं किया जा सकता है, जैसे घर, घर को खंड करिए क्या कोई शाब्दिक अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप पढ़े हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे घर, रात, दिन, इन शब्दों को तोड़ा जाए तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं? इनका शाब्दिक अर्थ होता है मेल से बना शब्द। यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक, जैसे विद्यालय, तो यहाँ पर यौगिक शब्द है। और देखिए भाई योगरूढ़ शब्द क्या होता है? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे महावीर, तो महा माने बहुत, वीर माने बलवान। ठीक है, बहुत बलवान। ठीक, तो ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आपको यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? बताइए भी कौन से ऐसे विकल्प है जो सभी भाववाचक हैं? बताइए कौन सा हो जाएगा। कह रहे हैं कि अमीर, गरीब, समूह। देखिए समूह आ गया, ऐसे आप छांटते जाइएगा तब भी सही है। समूह आपका आ गया क्या? समूहवाचक संज्ञा गलत होगा। जवानी, खटास, पुस्तक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। गंगा, तो ये भी नहीं हुआ। कह रहे हैं कि रसीला, कड़वाट, बुढ़ापा, उन्नति, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सी जो में सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो आप जानते हैं संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है, बताइए कौन सा है। कह रहे कि मनाही, विद्युतता, सोना, खुशी, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। सोना जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आइए देखते हैं अगला। कह रहे कि वह एक मेधवी छात्र है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? छह भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? छह भेद हैं। कौन से भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए भाई इसमें कौन सा कह रहे हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है? करें वह है, एक है, अच्छा है या छात्र? देखिए आपका वाक्य है, इसी में कह रहे हैं कि पूछाना है, बताना है। तो सही ऑप्शन 20 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। वह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा वाक्य में निपात है। चलिए भाई निपात क्या होते हैं? जो वाक्य के अंग होते हुए भी ये वाक्य के अंग नहीं कहलाते हैं। चलिए तो इसमें आपको बताना है, तो निपात आपके कुल 8 प्रकार के होते हैं। चलिए, कहें तुम्हें जाना ही पड़ेगा वाक्य में निपात है, कहें तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो आपका ए नंबर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ही जो है आपका निपात है। आइए आगे चलते हैं, अगला है। आगे देखिए, कह रहे कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। कह रहे कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर, देखिए एक काम इसने किया, पहले चाय पिया फिर बैठ गया। कह रहे कि प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु है, पूर्वकालिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है, तो बताइए भी कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि रोहन ने पहले चाय पिया तो एक पूर्वकालिक क्रिया हो गई, फिर बैठ गया, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, मुझे वहाँ जाना है वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मुझे वहाँ जाना है वाक्य में अव्यय शब्द, देखिए अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कारक, लिंग, पुरुष, वचन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये जो है आपके चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। देखिए, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें मुझे वहाँ जाना है वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। चलिए तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, वहाँ जो शब्द है आपका अव्यय। चलिए आगे, कहने कि इसमें से अव्यय शब्द है, कहने इधर, निकट, दायां, उपर्युक्त, सभी, तो कौन सा हो जाएगा 24 का? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, इधर, निकट, दायां, ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे अव्यय।
अगला है, कह रहे कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। चलिए भाई बताइए किसका पर्यायवाची है। कह रहे कि लक्ष्मी का है, सरस्वती का है, पार्वती का है, सीता का है, तो यह किसका हो जाएगा। तो महाश्वेता जो है आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का क्वेश्चन का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देखिए सरस्वती के और कुछ जो हैं पर्यायवाची हैं, जैसे इन्हें वागेश्वरी भी कहते हैं, वागेश्वरी भी कहते हैं, इला भी कहते हैं, विद्यात्री भी कहते हैं, ईश्वरी भी कहते हैं, वाक भी कहते हैं, आशा भी कहते हैं, ब्राह्मणी भी कहते हैं, भारती भी कहते हैं, और वीड़ा पाणी भी कहते हैं, हंसवाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची। आगे देखते हैं, कहने कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द में पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ये देखिए, ये सूर्य जो है आपका रेखांकित शब्द है, तो बताइए इसमें कौन सा पर्यायवाची सही शब्द हो जाएगा। कहने दिनकर होगा, नरेश होगा, कलाधर होगा, सारंग होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर होगा। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची जैसे सूरज भी कहते हैं, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि ब्यास का विलोम शब्द है। चलिए भाई ब्यास का विलोम शब्द हो जाएगा। तो ब्यास का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, कहने कि समास होगा, संश्लेषण होगा, संक्षेप होगा या लघु होगा। तो सही ऑप्शन इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ब्यास का विलोम आपका समास होगा। अगला है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए कहने कि आपको यहां पे विलोम शब्द बताना है। कहने कि यौवन, वार्द, वार, 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 वार्धाक्य। चलिए अगला है कि लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन या एकांगी, सर्वगीण। तो बताइए भी कौन सा नहीं हो जाएगा। तो देखिए यौवन का वार्धक्य सही है एकदम, लोलूप का संतुष्ट सही है विलोम, देखिए विश्लेषण का आपको यहाँ विवेचन नहीं होता है, गलत है, इसका होता है संश्लेषण। क्या होता है भाई, संश्लेषण। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अशुद्ध जो है सी नंबर में है। आगे देखते हैं, अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस स्पेस परिस्थिति में इस खाली स्थान परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कह रहे कि तीक्ष्ण होगा, कठिन होगा, गंभीर होगा, विषम। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा आप करेंगे, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा, करें कि इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, व्यक्तित्व पर इस खाली स्थान का बड़ा असर पड़ता है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। करें कि पोशाक का, ड्रेस का, लिबास का, परिधान का। तो कौन सा आप इसमें सही शब्द भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, व्यक्ति पर परिधान का बड़ा असर पड़ता है। आइए देखते हैं अगला, कहने कि अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। चलिए भाई अनुश्रुति के लिए एक वाक्य हो जाएगा। अगला है, करे कि सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना, परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे, जो सुनने योग्य हो। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करे कि अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, परंपरा से सुना हुआ। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कहने कि जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कहें कि मृड, मैं, उऋण, उत्तीर्ण, भारहीन, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए क्या कहते हैं, उऋण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कहने कि खो जाना, दिखाई ना देना, दूर जाना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, डी नंबर सही हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना।
आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करें कि गड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा, करें कि नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना, बताइए भी कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, लज्जित होना। गड़ों पानी पड़ना का सही मुहावरे का अर्थ लज्जित होना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे कि सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, करें सांच को आँच नहीं, सावन हरे न भादो सूखे, भागते चोर की लंगोटी, या सहज पके सो मीठा होए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, सावन हरे न भादो सूखे। अगला क्वेश्चन है कहने मिश्रित वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए, करें कि जो कभी लोकप्रिय होता है, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो ये आपको मिश्रित वाक्य में है तो इसे साधारण वाक्य में बदलना है। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला है करें कि साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए, करें कि कुमुद आकर चली गई, कुमुद आकर चली गई, तो साधारण वाक्य से इसको संयुक्त वाक्य में आपको परिवर्तित करना है, बताइए कौन सा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए हेमा आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, कुमुद आई और चली गई। ठीक है, अगला है दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ करें कि मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, सही है, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, सही है, गोलियों की बौछार हो रही है, ये भी आपका सही है, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, देखिए व्यवस्था और प्रबंध दोनों एक साथ नहीं यूज होंगे, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, तो एक अशुद्ध वाक्य होगा पुस्तक छापने की व्यवस्था करें। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, करें अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, तो कौन सा इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर चला जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि का के की ना ने नी आदि किस कारक का परसर्ग है, करें अधिकरण, संप्रदान, संबंध या कर्ताकार, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक, तो का के की ना ने नी आदि जो है कारक चिन्ह कौन से हो जाएंगे, संबंध कारक के चिन्ह हुई। ठीक, अगला है सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है, कर्म है, करण है, अधिकरण है या अपादान है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, तो कारण कारक। ठीक, तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर से विभक्ति आया, से आपका कारक परसर्ग आया, तो यहाँ पे आपका करण कारक हो जाएगा। अगला है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, करें होशियार होगा, विदुषी होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, तो सही ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, विदुषी होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कहना कि पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताइए, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, पानी का जो है पानी ही बहुवचन होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ शब्द जैसे बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, प्राण, दर्शन, दर्शन, आंसू, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, तो ये जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गए, जो हमेशा ये हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है,
आज देखते हैं जो सदैव जैसे कुछ हैं जो एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आपका माल हो गया, जनता हो गया, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सोना हो गया, ठीक। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, करें कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक में प्रयुक्त काल बताइए। सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक। अगला है, कहने की निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? कहने की जी नहीं, लेकिन, तथा, विपरीत। तो इसमें निपात का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, जी नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। कहने की मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, नहीं गलत है, कर देता, मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, तो ये तो गलत हो गया। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी, ये भी गलत है। शायद वह अवश्य आएगा, ये भी गलत है, वह अवश्य आएगा। डी नंबर करेगी, भारत में अनेक जात के लोग रहते हैं, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, भारत में अनेक जात के लोग रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश पैसाची बोली से है? कहें कि राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मतलब प्रश्न अच्छा है, कौन सा हो जाएगा? तो किसका संबंध जो है अपभ्रंश पैसाची बोली से है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, पंजाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम बताइए। खड़ी बोली ये किससे? तो पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, तो बताइए पश्चिमी बोली से, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो खड़ी बोली। तो दूसरा इसका नाम बताना है, करें कि भारतीय बोलते हैं, कौरवी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, या हिंदी बोलते हैं? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, कौरवी। तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम कौरवी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी वाक्य दिया गया है, इसका अंग्रेजी जो है नीचे अनुवाद किया गया है, तो आपको सही यही चुनना है। कहें शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है, तो वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद बतलाना है। कहें कि प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, प्रिवेंट मैंने बचाव करती है, रोकती है, द फ्री डेवलपमेंट मैंने विकास को ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, ठीक, स्पिरिट मीन आत्मा को। चलिए अगला चलते हैं, देखिए आखिरी क्वेश्चन, देखिए इंग्लिश आपकी, आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया है, हिंदी उसका सही अनुवाद चुनना है। कहें इट इज द फेथ नॉट साइंस, कहें कि इसका हिंदी अनुवाद होगा, वह या आस्था और विज्ञान है, या विज्ञान ना होकर आस्था है, या आस्था ना होकर विज्ञान है, या ना तो आस्था है ना तो विज्ञान है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, या विज्ञान ना होकर आस्था है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया है। अगर आप हमारे पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।